कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक सिंपल सा चैप्टर और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी। तो उसमें हम इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी का आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे आज हमारे लेक्चर में, जिसमें मैं आपको आज के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं मेरी अगली वीडियो में उससे रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उसके पहले मैं आपसे, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके। और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल बटन को दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों तो चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। तो आज देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो जैसे आपको मैं बता दूं, क्या सर आप हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बाकी सारी कंपनी से अलग है क्या? हाँ मेरे बच्चों, यस अलग है। बहुत सारे समय तक तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजनेस था वो गवर्नमेंट करती थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इस टाइप के बिजनेस में आने का कोई परमिशन नहीं था। लेकिन अब आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बेटा प्राइवेटाइज तो किया बट पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी आपको पता होगा कि हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को 100% कंट्रोल दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर बच्चा क्या करेगा, बच्चों क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने को ट्राई करेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा देखो, आपको हमने प्राइवेटाइज, आपको हमने बिजनेस करने को जरूर परमिशन दिया है, लेकिन बच्चा आप बेटा आप ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने बोला, वार्न किया प्राइवेट कंपनियों को कि बेटा आप ध्यान रखना, आप जितना चाहो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। जैसे बाकी सारे बिजनेस में आप जितना अच्छा बिजनेस करेंगे, जितना अच्छा प्रॉफिट जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को वार्न किया क्योंकि ये जनरली एक नेसेसरी प्रोडक्ट है या नेसेसरी सप्लाई है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो अगर हाई करते जाएंगे तो इसका बर्डन जो है अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर आता है। तो गवर्नमेंट ने वार्न किया कि आप जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, तो हम आपको कुछ एक रूल बताएंगे, उतना ही प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए एलिजिबल है। तो उसी प्रोसेस में हम बढ़ेंगे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड टू कस्टमर। मतलब जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक रूल बता दी, गवर्नमेंट ने बोला रीजनेबल रिटर्न, मतलब रीजनेबल रिटर्न गवर्नमेंट ने बोला ये कैसे आता है, क्या होता है, पहले एक समझ लें कि रीजनेबल रिटर्न अब किस पैरामीटर को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने ये बताया होगा वो हम बाद की बात है, अभी देखेंगे आगे कि रीजनेबल रिटर्न क्या होता है। मान लेते हैं रीजनेबल रिटर्न गवर्नमेंट ने 5 लाख बोला और आपने जो बच्चा ना आपने 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख बोला था लेकिन आपने 10 लाख कमाया। इसका मतलब ये 10 लाख कमाया कहाँ से, इसका बर्डन किसके ऊपर रहा होगा, कस्टमर के ऊपर। तो इसका बर्डन जो है कस्टमर ने बेयर किया तभी तो आप 10 लाख कमाए। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा मैंने आपको 10 लाख प्रॉफिट नहीं कमाने को बोला था, लेकिन आपने हालांकि 5 लाख आपको प्रॉफिट बोला गया था कमाने के लिए, लेकिन आपने अर्न कितना किया, 10 लाख। तो अब आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, क्लियर प्रॉफिट का बच्चों यहाँ पे फॉर अ टाइमिंग हम मतलब समझेंगे, क्लियर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस ने एक्चुअली प्रॉफिट कितना अर्न किया।
अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, लेस 120% ऑफ रीजनेबल रिटर्न। अब आपको हमने बोला कितना था, 5 लाख। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा उसी एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि आपने क्लियर प्रॉफिट, मतलब आपने कमाया कितना, 10 लाख रुपया। अब आपको गवर्नमेंट ने बोला कितना था बच्चा, बेटा आपको गवर्नमेंट ने ना खाली 5 लाख रुपया बोला था कमाने के लिए, और 5 लाख का 120%, मतलब ये रीजनेबल रिटर्न है 5 लाख रुपया। गवर्नमेंट ने आपको रीजनेबल रिटर्न का कितना बोला था, 5 लाख, उसका 120%, मतलब आ जाएगा जो है 6 लाख। मतलब मेरे बच्चों जो आपने एक्स्ट्रा अर्न कितना किया, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बच्चों, आपने 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा अर्न किया है। तो इस 4 लाख रुपये को कहाँ से अर्न किया होगा एक्स्ट्रा आपने, ये तो 4 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास से ही आया। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा इसे बिना बोले आप कस्टमर को रिफंड कर दो। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाई है तो उसे आपको कस्टमर को रिफंड कर देना है। दूसरा, सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी ऑफ कंपनी। अब रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी का मैटर क्यों है, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो अब इस तरह से अगर हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने को नहीं देंगे तो सारी कंपनियां लॉस बताने लगेंगी। तो यहां पे जो एफिशिएंसी है, एक्स्ट्रा काम करके ही कंपनी ने एक्स्ट्रा काम अच्छी तरह से काम किया तभी तो कंपनी को ज्यादा, तो कुछ परसेंट गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड देती है। तो जिसके लिए क्या है, रिवॉर्ड का रूल क्या है, 5% ऑफ रीजनेबल रिटर्न। मतलब हमारे पास रीजनेबल रिटर्न जो था 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का 5%, मतलब कितना, जैसे कि 10% 25,000 रुपया। तो इस केस में 25,000 जो है आ गया आपका रीजनेबल रिटर्न, कितना, 25,000। अब अगर हम देखें तो कितना है, 1/3 ऑफ सरप्लस। सरप्लस कैसे मिलेगा मेरे बच्चे, क्लियर प्रॉफिट, क्लियर प्रॉफिट कितना था आपका, 10 लाख रुपया, और आपने रीजनेबल रिटर्न कितना लिया, रीजनेबल रिटर्न कितना था आपका, 5 लाख रुपया, और क्लियर प्रॉफिट माइनस रीजनेबल रिटर्न, तो 10 लाख माइनस रीजनेबल रिटर्न जो किया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस मतलब आपको 5 लाख बचा, तो 5 लाख का मेरे बच्चों आपको 1/3 लेना होता है। तो 5 लाख का अगर आप 1/3 लेंगे तो आपको मेरे बच्चों जो है ये 1 लाख, आई थिंक, हाँ 15, इस 1, यस यस बराबर 1/16 आपको 1,66,667 मिल जाएगा, आई थिंक। यहाँ पे देखना है क्या, विच एवर इज लोअर, आपको कम क्या है, कम देखेंगे, कम जो है आपका क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, 25,000। तो 25,000 जो हो जाएगा आपका रिवॉर्ड फॉर कंपनी। तो इस तरह से आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा कंपनी को स्टेप नंबर 2 में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा चीज क्या है, कैलकुलेशन अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। ये जो होता है TDCR जो होता है, गवर्नमेंट का फंड होता है। अब आपने एक्स्ट्रा कमाया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जितना गवर्नमेंट ने बोला था, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कुछ हिस्सा तो आपने कस्टमर को रिफंड कर दिया, कुछ हिस्सा आपको रिवॉर्ड दे दिया गया। अब जो कुछ हिस्सा जो होगा वो गवर्नमेंट जो है अपने पास रखती है बच्चों, अपने लिए रखती है। तो उससे देखते हैं कैसे आता है, क्लियर प्रॉफिट जो आपका 10 लाख रुपया था, क्लियर प्रॉफिट 10 लाख रुपया था, लेस रिफंड टू कस्टमर, कस्टमर को आपने रिफंड आपने किया था 4 लाख रुपया, लेस रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी 25,000 रुपया, और रीजनेबल रिटर्न, रीजनेबल रिटर्न 5 लाख रुपया था। तो इस तरह से आपको बैलेंस जो है 75,000 मिल जाता है, 75,000 जो है बैलेंस प्रॉफिट मिल जाएगा। बैलेंस प्रॉफिट का 50% कस्टमर बेनिफिट। कस्टमर बेनिफिट क्या होता है मेरे बच्चों, कस्टमर बेनिफिट का मतलब ये पैसा आपको रख दिया जाएगा,
जो कस्टमर की जो फ्यूचर बिल होगी वहां से उस बिल में से उस इनवॉइस में से पैसे को एडजस्ट कर लिया जाएगा, मतलब जो एक्सेस पैसा आपने कमाया था तो वो कितना हो जाएगा 75,000 का 50% 37,500, और जो बच जाएगा आपका 37,500 वो आपका TDCR होता है। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करनी होती है कुल 3 स्टेप में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व, पहला आपको क्या करना होता है, कस्टमर को रिफंड कर देना होगा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कमाए। दूसरा है रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी, आपको कंपनी को रिवॉर्ड या एफिशिएंसी के लिए उसको अवार्ड देना है, तो वो यहाँ पे ये दोनों में जो लोअर होगा उसके हिसाब से। तीसरा केस होता है TDCR, आपको टैरिफ टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व कितना क्रिएट करना है उसके लिए हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू अकाउंट कैसे अगर आपको बनाना होगा तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका पिछले साल का प्रॉफिट बचा होगा, क्लियर प्रॉफिट मतलब इस साल जो आपने कमाया उसमें से आपको कस्टमर को रिफंड कर देना है वो माइनस कर लेंगे, उसमें से कंज्यूमर बेनिफिट का वो अलग, TDCR जो है वो अलग। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन में बच्चों मेरे तीन चीज़ें होती है, तीन चीज़ें कौन कौन सी, पहला तो एक आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, दूसरा जो होता है आपका रिवॉर्ड होगा। ये सारी चीज़ें क्यों हमने अलग से नहीं लिखी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी को ही दी जाती है, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवॉर्ड और तीसरा आपका रीजनेबल रिटर्न, ये तीनों चीज़ें कंपनी की होती है तो इसलिए इसको तीनों बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। अब नोट देखते क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, नोट क्या लिखा है गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंस्टेड ऑफ दे प्रिपेयर सर्टन स्टेटमेंट जिसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाती है, टैरिफ और देयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो हम नॉर्मली बनाते हैं उसी को यहाँ पे हम नेट रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। टैरिफ डिविडेंड कंट्रोल इज लायबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी मैंने बताया बच्चों, जो टैरिफ डिविडेंड कंट्रोल होता है वो लायबिलिटीज होता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट सिंस द हैज कंपनी हैज अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्यों ये देना है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। कंज्यूमर बेनिफिट मींस, कंज्यूमर बेनिफिट का मतलब एक्सेस प्रॉफिट एडजस्टेड टू फ्यूचर इनवॉइस, मतलब फ्यूचर में जो कस्टमर का बिल आएगा उसमें एडजस्ट करना होगा क्या आपको कंज्यूमर बेनिफिट का पैसे को। अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट रीजनेबल रिटर्न, अब आपको कितना गवर्नमेंट, जो हमने बताया था कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि रीजनेबल रिटर्न कितना होगा, कितना पैसा आप कमा सकते हो, तो ये किस बेसिस पे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है मेरे बच्चों के आपका रीजनेबल रिटर्न कितना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट, जैसे कि आपने एक कंपनी खोला, आपने एक बिजनेस लगाया, अगर मैं मान लेते हैं हमने 8 लाख रुपया डाल के एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस हमने ओपन किया, मान लेते 80 लाख रुपया, तो अगर मैं 80 लाख रुपया नहीं डालता बिजनेस में तो मैं क्या करता उस 80 लाख का, मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो उस इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट आता। मान लेते मैं बैंक में इन्वेस्ट करता तो उस बैंक से मुझे क्या आता, इंटरेस्ट आता। तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपने वो 80 लाख रुपया कहाँ पे, बैंक में न इन्वेस्ट करके आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आपको जितना बैंक इंटरेस्ट देती उससे आप 2% ज़्यादा यहाँ पे लो। मान लो बैंक 8% दे रही तो यहाँ पे आप 10% रिटर्न लो, तो वही बोला गया कैपिटल बेस, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसमें कितना परसेंट ले सकते हो, बैंक रेट प्लस 2%, अगर बैंक रेट 8% दे रही है तो आप 10% कैपिटल बेस कर लो। अब आपने, आपके पास जो इनकम फ्रॉम रिजर्व फंड इन्वेस्टर, मतलब आपके पास कोई सरप्लस पैसा बचा हुआ है, आप वो सरप्लस पैसा आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नहीं लगा रहे हो, आप उस पैसे को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने अगर दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ गवर्नमेंट बच्चों को रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, क्यों, क्योंकि इस पैसे पे इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर का कस्टमर के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा हमने किसी दूसरी कंपनी में लगाया और वो कंपनी हमें रिटर्न दे रही है, तो ये यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना आपने इनकम आ रहा है वो ले सकते हो। इनकम फ्रॉम बोरोइंग, अब मैंने कुछ पैसा लोन लेके लगाया है, अब बताओ गवर्नमेंट मुझे लोन के पैसे पे कैसे, लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, बराबर है, अगर गवर्नमेंट मुझे लोन का पैसा, मैंने 50 लाख रुपया बैंक से लोन लेके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में लगाया, अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से पैसा कमा रहा हूँ और गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि आप जो लोन के पैसे पे इनकम नहीं ले सकते,
तो मैं बच्चों लोन लूंगा क्या? नहीं, कभी लोन नहीं लूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा आप लोन लेके इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को डेवलप करो, और जितना भी आप लोन लोगे उस लोन के पैसे पे आप 0.5% इनकम अर्न कर सकते, तो वो ले लेंगे। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे तो रीजनेबल रिटर्न मिल जाता है। डेवलपमेंट रिजर्व, जो कि आपका आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, डेवलपमेंट रिजर्व, बच्चे इसे रिजर्व मान लेते हैं। नहीं मेरे बच्चों, ये डेवलपमेंट रिजर्व जो होता है वो रिजर्व नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये डेवलपमेंट रिजर्व। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है ए लिमिटेड, जिसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट पे अब आपको सबको पता होगा कि जैसे ही हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स जनरेट होता है, और ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को भरना है, गवर्नमेंट को भरना। अब न चाहते हुए आपको गवर्नमेंट को तो बच्चा टैक्स भरना ही होता है। तो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अभी नई नई स्टार्ट हुई है, मान लेते हैं आपको 5 लाख रुपया भरना था टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, ठीक है आपकी कंपनी अभी नई नई स्टार्ट हुई है, आप उस कंपनी का डेवलपमेंट करो, ये जो टैक्स का पैसा है ना आप अपनी कंपनी में रखो, आप अपनी कंपनी में उसे यूज़ करो, और जब 8 सालों तक आप उसे यूज़ कर सकते हो, अब उसे आप 5 लाख रुपया जो है किसका पैसा मेरे बच्चों, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसको दे दी, ए लिमिटेड को। तो अब ये गवर्नमेंट ने एज सच लोन दिया है ए लिमिटेड को। और एक बड़ी मजे की बात सुनो बच्चों, गवर्नमेंट ने जो ये लोन दिया है उस लोन पे नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। तो ये जो 5 लाख रुपया है हालांकि टैक्स का है, टैक्स किसका था, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने लिया नहीं, वो पैसा अभी भी ए लिमिटेड के पास है। तो उस ए, इस 5 लाख रुपए को ए लिमिटेड क्या बोलती है, डेवलपमेंट रिजर्व। तो अब मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट रिजर्व क्या है। डेवलपमेंट रिजर्व इज अ लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स एंड कंसिडर्ड एज अ लोन टू कंपनी बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। इट विल बी इंक्लूडेड इन रीजनेबल रिटर्न, इसे इंक्लूड करेंगे रीजनेबल रिटर्न में, और उसके ऊपर 0.5% आप ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 0.5% हमने लिया हुआ है। अब देखते हैं आगे बच्चों, रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट मीन्स, मतलब मैंने पहले ही बता दिया रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में आप नहीं लगाए थे, वो ऐसे आइडियल आपके पास पड़ा हुआ था, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, उस रिजर्व को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज पर लॉ बट स्टिल हेल्ड बाई कंपनी, ओके। बैंक रेट इज नॉट गिवन, अगर बैंक रेट नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में उसे 8% मान लेना है। कैपिटल बेस इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, कैपिटल बेस का आपको ये हमने फॉर्मेट दिया है। कैपिटल बेस का फॉर्मेट क्या है, फिक्स्ड एसेट जो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, नेट एसेट। जनरली मैं आपको सिंपल बता दूँ, एसेट माइनस लायबिलिटी, या मतलब जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था वो सारे पैसे को, अब यहाँ पे उसमें करेंट एसेट, बट ध्यान रहे डेटर इंक्लूड नहीं होता, एक्सेप्ट डेटर, डेटर इंक्लूड नहीं होगा। इनटेंजिबल एसेट इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कंटिजेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब ऐड करेंगे टोटल एसेट मिल जाएगा। उसमें से लोन, टैरिफ, डिविडेंड, कंट्रोल रिजर्व फॉर ओपनिंग बैलेंस, ये भी गवर्नमेंट का लायबिलिटी होता है। कंज्यूमर रिफंड, कस्टमर को रिफंड कितना करना था, अगर आपने पिछले साल रिफंड आया था और अभी तक उसको रिफंड नहीं किया तो माइनस कर लेंगे। कंज्यूमर बेनिफिट, वो भी माइनस। सिक्योरिटी, डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर लाइव कंट्रीब्यूशन, ये सारी लायबिलिटी होती है कंपनी की, वो आप ऐड करके क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपको जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल बेस। तो इस तरह से आपको बच्चों है जो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। अब इससे रिलेटेड हम आपको बच्चों एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर नेट रेवेन्यू अकाउंट।
मतलब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और नेट रेवेन्यू अकाउंट क्लियर प्रॉफिट 5,80,000, रीजनेबल रिटर्न 3,40,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट 80,000। तो स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर वन के थ्रू बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन ऑफ रिफंड टू कंज्यूमर, जिसका बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सिंपल सा क्या है, क्लियर प्रॉफिट। क्लियर प्रॉफिट जो है हमारा, क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चों कितना दिया है, 5,80,000 लेस रीजनेबल रिटर्न, देख सकते हो 3,40,000 रुपया दिया है। आप इसे माइनस कर लो तो आपको जो मिलेगा उसे आप बोलोगे रिफंड टू कंज्यूमर। अब आपको स्टेप नंबर टू देखना है। स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू जो है, अब स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी टू कंपनी। तो देखते हैं, उसके लिए दो पार्ट होता है बच्चों। पहला पार्ट जो होता है उसमें बोलते हैं 5% ऑफ रीजनेबल रिटर्न। तो रीजनेबल रिटर्न हमने बताया था 3,40,000 रुपया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,40,000 रुपया, यहाँ देख सकते हो 3,40,000 रुपया, उसका 5%। दूसरा पॉइंट जो है 1/3 ऑफ सरप्लस, 1/3 ऑफ सरप्लस, मतलब आपको क्या करना है बच्चों, तो क्लियर प्रॉफिट, उसमें क्लियर प्रॉफिट जो है सरप्लस का फॉर्मूला माइनस रीजनेबल रिटर्न। तो क्लियर प्रॉफिट कितना है 5,80,000, रीजनेबल रिटर्न कितना है मेरे बच्चों, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, मिस्टेक तो ये कि हमने यहाँ पे क्या लेना था, 3,40,000 इंटू 120%, क्योंकि यहाँ पे 120% ऑफ रीजनेबल रिटर्न होता है मेरे बच्चों। तो 120% आपको जो है माइनस करना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे उसका, देखो मेरे बच्चे 3,40,000 इंटू 120% 4,08,000 रुपया, माइनस कर लें 5,84,000 में से, तो 1,72,000, मतलब 5,80,000 माइनस 4,08,000, 1,72,000, यहाँ पे 3,40,000 इंटू 5% 17,000, यहाँ पे रीजनेबल रिटर्न जो है आपका 3,40,000, उसका 1/3, मतलब आपका 5,40,000 माइनस 3,40,000 जो आया डिवाइड बाय 3 कर दो, मतलब 66,667, मतलब यहाँ पे दोनों में जो बच्चों लोअर आएगा, लोअर आप देख सकते हैं 17,000 है, तो उसी को हम बोलेंगे रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। अब तीसरे स्टेप में हमें जो है बच्चों कैलकुलेट क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं, तीसरे स्टेप पे जो कैलकुलेशन करना है TDCR, यहाँ पे लिखेंगे कंपटीशन ऑफ
TDCR, Tariff, Dividend and Control Reserve, and Consumer Benefits. अब यहाँ पे बच्चों क्लियर प्रॉफिट, क्लियर प्रॉफिट जो है आपको क्वेश्चन में 5,80,000 रुपया था, लेस रिफंड टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को रिफंड आपने कितना किया, जो कि आपने रिफंड किया है 1,72,000 लेस रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी जो कि है 17,000 लेस रीजनेबल रिटर्न जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे बच्चों दिया हुआ था 3,40,000। तो इस तरह से आपको जो मिलेगा उसे आप बोलोगे बैलेंस प्रॉफिट। तो अब देख सकते हैं 5,80,000 में से आपको 1,72,000 माइनस 17,000 माइनस 3,40,000 तो 51,000 मिल जाता है। अब इसमें से माइनस कर लेंगे लेस्ट कंज्यूमर बेनिफिट्स, मतलब 51,000 इंटू 50% 50% ले लो बच्चों तो आपको 25,500 जो है मिल जाएगा, वो माइनस कर लो तो TDCR आपको 25,500 मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपको ये आपका मिल जाता है। अब हमें बनाना है मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो देखते हैं, बढ़ते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट की तरफ। नेट देखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब बच्चों ओपनिंग प्रॉफिट कितना था। यहां देख सकते हो ओपनिंग प्रॉफिट 80,000 रुपया था। बाय क्लियर प्रॉफिट, क्लियर प्रॉफिट मेरे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 5,80,000 रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2। आपने कंज्यूमर रिफंड कितना है, कंज्यूमर रिफंड देख सकते हो 1,72,000 आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे कंज्यूमर रिफंड 1,72,000। अब उसके बाद 2 कंज्यूमर बेनिफिट्स, कंज्यूमर बेनिफिट्स के लिए आपने कितना 25,500 टू TDCR 25,500। अब जो बैलेंस बचेगा वो कंपनी का पैसा होगा, मतलब आपका ये टोटल करें 5,80,000 प्लस 80,000 टोटल आता 6,60,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 6,60,000 माइनस 1,72,000 माइनस 51,000 है तो 4,37,000। अब आपको बच्चों में बता दूं 4,37,000 का तीन चीज़ों में ब्रेकअप होता है, तीन चीज़ों से मिलके ये बनता है। एक तो ओपनिंग बैलेंस, दूसरा जो यहाँ पे होता है वो रिवॉर्ड, और तीसरा रीजनेबल रिटर्न। अब अगर हमारे पास देखें तो बात करें ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपये का, रिवॉर्ड जो था 17,000 रुपये का यहाँ देख सकते हैं, और
नेक्स्ट जो था रीजनेबल रिटर्न 3,40,000 रुपये का था, तो अगर हम ये तीनों ऐड करें तो इतना आ रहा है कि देखते हैं, 80,000 प्लस 17,000 प्लस 34,000, 3,40,000, तो इस देख सकते हैं 4,37,000 आया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और मेरे बच्चों आपको हम बता दें, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यह हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट फिनिश्ड होता है। हम अपने अगली वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे बाकी के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो मिल सके। बच्चों अगर आज के लेक्चर में कुछ भी आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट करें, और आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और बच्चों हम अपनी अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जो है अगले बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आपको रीजनेबल ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना होगा, कैपिटल बेस कैसे कैलकुलेट करना होगा, वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सेफ रहें।